हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स के वीकली रिवीजन में, जहाँ पर हम लोग पूरे वीक की करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके को आपके साथ यहाँ पर शेयर करेंगे। तो जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं मेरे साथ, वो तो जुड़ जाएं एक बार फिर से और यहाँ पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें इस सेशन को और अपने दोस्तों को भी जोड़ लें। जल्दी से बताइए कौन कौन से टॉपिक आपको मैंने कराए हैं और उसके बाद आपको वीक में जो कराया गया उससे आप ले रेडी हैं बिल्कुल स्टैटिक जीके और उन सब करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को यहीं पर। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर जाकर, और संजय 10 कोड यूज़ कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए जहाँ पर मेरे सारे सेशन की आपको जानकारी मिलती रहेगी उसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा वाईफाई डिफेंस एग्जामिनेशन। और बाकियों को मैं शेयर कर देता हूँ सेशन, आप लोग भी सेशन को शेयर करते हैं जिससे कि वो लोग भी जुड़ पाए मेरे साथ। चलिए जल्दी से शेयर करते हैं इसको हम लोग, और लाइक भी कर देते हैं और सेशन को शेयर कर देते हैं अपने सभी ग्रुप पर, फिर इसी के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए सेशन शेयर कर दिया है। हाय सर, कमेश सर, दी बिल्कुल ओके, हेलो भाई। जल्दी से बाकी लोग भी जुड़ जाएं यहाँ पर सेशन में, जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं उनको भी शेयर कर दीजिए सेशन यहाँ पर, और वो जुड़ के मेरे साथ यहाँ पे क्विज सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आते हैं हम लोग यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस वैश्विक पोषण विशेषज्ञ ने डॉक्टर को वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया है। 2021 का वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया, किसे दिया गया है? किसे दिया गया 2021 का वर्ल्ड फूड प्राइज किसे दिया गया है? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया किसको दिया गया, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल्स्टेड को दिया गया है। ये आपके हैं पोषण विशेषज्ञ 2021 का पुरस्कार इनको मिला। भारतीय मूल की रहने वाली, समुद्री भोजन और खाद्य प्रणालियों के लेकर इन्होंने अपनी रिसर्च की थी और अपनी बातें यहाँ पर रखी थी, और इसके लिए पुरस्कार इनको दिया गया खाद्य और कृषि, मतलब कि पुरस्कार खाद्य और कृषि के नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है इसको। इसे क्या कहते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर। इस दिस अवार्ड इज ऑल्सो नोन एज नोबल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। इसे क्या बोलते हैं, नोबल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। खाद्य और कृषि का नोबल पुरस्कार बोलते हैं। आगे पूछा गया है यहाँ पर अगला क्वेश्चन, नोमुरा के चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत के जीडीपी विकास अनुमान को 12.6% के पिछले अनुमान से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? नोमुरा का जो यहाँ पे अनुमान था यहाँ पर चालू वित्तीय वर्ष का भारत को लेकर, अभी धीरे धीरे बहुत सारे लोगों ने अपने अनुमान दर्ज कराए हैं, कोई कंपनी बता रहा है पिछले अनुमानों से वो नीचे लेकर आ रहे हैं भारत की विकास दर को, क्योंकि सेकेंड वेव इतनी ज़्यादा भयानक थी कि उसको लेकर काफ़ी हद तक भारत के विकास को लेकर बहुत कम अनुमान लगाया जा रहा, पहले की अपेक्षा बहुत कम कर दिया गया है। जिसमें कहा गया नोमुरा के चालू वित्तीय वर्ष जो रहा है 2021-22 के लिए भारत के जीडीपी का अनुमान 12.2 से घटाकर उन्होंने 10.8% कर दिया। कितना कर दिया, 10.8% कर दिया यहाँ पर। और जापान की ब्रोकरेज कंपनी है नोमुरा, अगर कोई पूछे क्या है तो ब्रोकरेज कंपनी है नोमुरा, जिसे बोलते हैं ब्रोकरेज कंपनी है ये जापान की, तो इसको कहा गया जापान की ब्रोकरेज कंपनी है ये, और इसने लगाया 10.8% होने के बाद की, जबकि इससे पहले इन्होंने कहा था कि 12.6 रहने का अनुमान इन्होंने लगाया था इससे पहले कि भारत की विकास दर 12.6 रहेगी। आफ्टर द फर्स्ट वेव ऑफ कोविड-19 दे विल डिसाइड दैट द 12.6% इज द मिनिमम ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया, बट द आफ्टर सेकेंड वेव
मैसिव डिस्ट्रक्शन टुक प्लेस एंड दे डिसाइडेड दैट द 12.6 इज नॉट अ एग्जैक्ट डेटा, इट विल रिड्यूस एंड इट विल कम्स टू 10.8% प्लेस, दैट मीन्स आपका होगा 10.8% पर ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। भारत और किस देश में, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में दक्षिणी अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया है? देखिए, भारत और इंडोनेशिया, कौन से देश ने, भारत और इंडोनेशिया ने पारस्परिक पैसेज का अभ्यास यहाँ पर किया है। कहा गया यहाँ पर INS शारदा ने यहाँ पर हिस्सा लिया था, हमारी तरफ से ने लिया था, INS शारदा शिप ने, जहाज ने हिस्सा लिया था, युद्धक जहाज ने। युद्धाभ्यास हुआ मौजूदा क्या, और यहाँ पे कौन से हेलीकॉप्टर थे, चेतक हेलीकॉप्टर्स ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। किसने, चेतक हेलीकॉप्टर्स ने भी पार्टिसिपेट यहाँ पर किया था। देख सकते हैं, चेतक हेलीकॉप्टर और INS शारदा ने यहाँ पर हिस्सा लिया था। पैसेज एक्स हुआ था हमारे साथ, इंडिया के साथ हमारे यहाँ पर हुआ था। किस चीज़ के लिए लेकर आया गया था, पारस्परिक सहयोग को सुधारने के लिए, और दक्षिणी अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया गया, कहाँ पर किया गया था, साउथ अरेबियन सी में। कहाँ हुआ था, साउथ अरेबियन सी में, जहाँ आपका हुआ था। नेक्स्ट पे आते हैं। हाल ही में निम्न में से किसे नेपाल का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, नेपाल का, कहते हैं एक बार फिर से, केपी शर्मा ओली को नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, यहाँ पर केपी शर्मा ओली को एक बार फिर से नियुक्त किया गया है। यहाँ पर राष्ट्रपति विद्या भंडारी जो की है नेपाल की, इन्होंने उनको फिर से राष्ट्रपति की शपथ दिलाई है, सबसे बड़े दल का नेता घोषित भी किया है, और उन्होंने देश के शक्तियों को इस्तेमाल करते हुए ये आपका किया गया, तो इनकी जो संविधान की शक्तियां थी उनके तहत ये इसको बनाया गया है। केपी शर्मा ओली जो कि क्या है, नेपाल के प्रधानमंत्री। आगे बात करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट पे आते हैं। ICC टेस्ट टीम रैंकिंग का वार्षिक अपडेट जारी होने पर निम्न में से कौन सी टीम 121 टेस्ट अंकों के साथ प्रथम स्थान पर है? तो ICC टेस्ट रैंकिंग जो आपकी यहाँ पे घोषित हुई है वार्षिक अपडेट जारी होने पर, 121 अंकों के साथ भारत नंबर एक पर रही है टेस्ट टीम, 121 पॉइंट इसको मिले हैं, और 120 पॉइंट रेटिंग के साथ दूसरे नंबर पर कौन है, न्यूजीलैंड। तो 120 पॉइंट किसके हैं, न्यूजीलैंड के हैं, और वो सेकेंड प्लेस पर नंबर पर है, सेकेंड प्लेस पर आ गई है न्यूजीलैंड। सेकेंड रैंक है इंडिया 121 के साथ नंबर वन पर है, और वहीं इंग्लैंड 109 अंकों के साथ ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ कर तीसरे स्थान पर है। तो 109 नंबरों के साथ कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है थर्ड प्लेस पर है, और चौथे प्लेस पर ऑस्ट्रेलिया है जिसके 108 अंक हैं। ठीक है, कौन है, ऑस्ट्रेलिया। तो ये 1 2 3 4 की टीम है, अगर हम आप बात करें तो इंडिया हो गई पहले नंबर पे, दूसरे पे हो गई आपकी न्यूजीलैंड, तीसरे पे हो गई आपकी इंग्लैंड जो आप देखे हैं, और चौथे नंबर पे आ गई ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपके हैं रैपेंट, और पहले दूसरे के बीच में 1 पॉइंट का अंतर है, और तीसरे चौथे के बीच में भी 1 पॉइंट का अंतर है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर टेस्ट टीम की रैंकिंग है ICC के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं आगे। BCCI ने यहाँ पे पूछा गया है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया है? भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच, नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है? रमेश पवार को, जो कि पूर्व खिलाड़ी है भारतीय टीम के, पूर्व स्पिनर रहे, इनको मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। WAP रमन की जगह पर आएंगे ये, WV रमन की जगह इनको रखा गया है, WV रमन की जगह इनको रखा गया है। यहाँ पर कहा गया जिम्मेदारी सौंपी गई रमेश पवार, उससे पहले भी टीम के साथ घूमकर रह चुके। रमेश पवार ने 2 टेस्ट 31 वनडे मैच खेले भारत के लिए, और यहाँ पर उन्होंने 6 वनडे और उसके लिए अर्धशतक भी लगाया था। तो यहाँ पर फर्स्ट क्लास में इन्होंने 148 फर्स्ट क्लास मैच खेले और 470 विकेट लिए, तो काफ़ी लंबा इनका करियर रहा है महाराष्ट्र की तरफ से खेलते थे ये। नेक्स्ट पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस इंटरनेशनल फैमिली डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल फैमिली डे कब मनाया जाता है? 15 मई को। इंटरनेशनल फैमिली डे कब मनाया जाता है? 15 मई को, और इसकी शुरुआत हुई थी 1993 में। संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली के ने हर साल परिवार मनाने की बात की, संयुक्त राष्ट्र UNGA ने इसकी घोषणा की थी 1993 से, हर साल मनाया जाता है 15 मई को। इसमें कहा गया था वैश्विक समुदाय में परिवारों को प्रभावित करना या आपस में उनके जो संपर्क होते हैं उसको बढ़ावा रखने के लिए जो फैमिली डेज मनाए जाते हैं वो 1993 से स्टार्टिंग हुई थी इसकी, UNGA की मनाने की, आपकी 15 मई से इसकी स्टार्टिंग हो गई थी। ठीक है, अब पूछा गया संयुक्त राष्ट्र के ने जाने माने किस
किस ब्रिटिश राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया? संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने एक जाने माने ब्रिटिश राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मसलों एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया, तो किसे किया गया? तो मार्टिन ग्रिफिथ्स को किया गया है, ग्रिफिथ्स को किया गया है। मार्टिन ग्रिफिथ्स क्या है? आपके मानवीय मामलों के जानकार हैं, संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी के जानकार। इनको नियुक्त किया गया है और कहा कि ग्रिफिथ्स को वैश्विक मामलों को बहुत बड़ा अनुभव रहा है जिसका प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। पिछले 3 सालों से संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत थे, मतलब स्पेशल एम्बेसडर की भूमिका में काम कर रहे थे। 4 साल तक ये इस पर सेवा देंगे, यहाँ पर 4 साल तक की सेवा आगे यहाँ पर देने की बात की गई, तो 4 साल तक सेवा और भी दे चुके हैं। अब आते हैं अगले पर। विश्व थैलीसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व थैलीसीमिया दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी बताएं। विश्व थैलीसीमिया दिवस कब मनाते हैं हम लोग? बिल्कुल बिल्कुल सही बताया। अब बताइए विश्व थैलीसीमिया दिवस कब मनाते हैं? विश्व थैलीसीमिया दिवस की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो अगर इसको लाइक और शेयर करते रहेंगे सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ, और साथ में एक और चीज़ जानते रहिएगा, लोगों को जोड़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो आपके सेशन में इंपॉर्टेंस रहेगी। बताओ थैलीसीमिया में होता क्या है? इसमें क्या होता है, आरबीसी की प्रोडक्शन रेशियो कम हो जाती है। आरबीसी जो होता है हमारा लाल रक्त कणिकाएं होती हैं हीमोग्लोबिन में, उनका जो उत्पादन दर होती है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। ये आपका इसमें क्वेश्चन आता है किस वजह से थैलीसीमिया क्या होता है, तो ये जो प्रोडक्शन रेशियो क्या होता है कम हो जाता है, उसे कहते हैं थैलीसीमिया दिवस के रूप में मनाते हैं। और एक कब मनाते हैं, देखो जरा, विश्व थैलीसीमिया दिवस आपको मनाते हैं 8 मई के दिन मनाया जाता है, जिस दिन रेड क्रॉस सोसाइटी दिवस भी होता है। और थैलीसीमिया के बारे में जागरूकता फैलाना है वर्ल्ड थैलीसीमिया डे में, और कहा गया इसमें क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। थैलीसीमिया दिवस का थीम क्या रहा है इस बार का, मतलब थीम पूछा गया क्या है, थीम 2021 में थीम क्या रहा है इसका, तो पूछा गया है विश्व थैलीसीमिया दिवस जो 2021 में मनाते हैं इसका थीम क्या है। ठीक है, इसका थीम पूछा गया है, तो इसका थीम क्या रहा, तो देखिए थीम क्या होगा इसका, इसका थीम था एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटीज अक्रॉस द ग्लोबल थैलीसीमिया कम्युनिटी। तो कहा गया एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटी मतलब कि समानताओं के लिए बात करना है यहाँ पर, अक्रॉस द ग्लोबल थैलीसीमिया कम्युनिटी। थैलीसीमिया आप जान ही चुके हैं क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी डिक्रीजेस ड्यूरिंग हीमोग्लोबिन। तो ये आपका डे 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। वेस्ट नाइल फीवर के फैलाने वाले मच्छर कौन से प्रजाति है, जैसे आपने देखा मलेरिया डेंगू ये सब मच्छरों के फीवर होते हैं, तो वैसे तरफ वेस्ट नाइल फीवर जो फैलाने वाले मच्छरों की प्रजाति क्या होती है बताना है आपको, बताएं जल्दी से। वेस्ट नाइल फीवर फैलाने वाले मच्छरों की प्रजाति, बताएं जल्दी से क्या होगा। जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। थी बता रहे हैं थैलीसीमिया के बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन आया, थी बता रहे हैं एशियाई बाघ के लिए है, कहाँ पे होता, किस मच्छर से होगा, तो मच्छर है वहाँ पे वेस्ट नाइल फीवर को फैलाने वाले संक्रमित क्यूलेक्स, कौन से मच्छर हैं ये, क्यूलेक्स मच्छरों की प्रजाति है जो ये आपका वेस्ट नाइल फीवर को यहाँ पे प्रमोट कर रही, नाम होगा क्यूलेक्स, क्या होगा, क्यूलेक्स मच्छरों की प्रजाति है जो ये आपके वेस्ट नाइल फीवर को यहाँ पर आगे बढ़ा रही, संक्रमित वायरल है जो कि संक्रमित क्यूलेक्स मच्छरों द्वारा फैलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं अगले पर। सेशन को शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे। किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली गर्भवती मिस्र ममी, वर्ल्ड फर्स्ट प्रेग्नेंट इजिप्शियन ममी की खोज की है, मतलब ममी मतलब होता है किसी समय किसी भी डेड बॉडी को बिना दफनाए उसको एक सुरक्षित एक विशेष प्रकार का लेप लगा के रख देना, उसे ममी कहते हैं। तो पहली जो प्रेग्नेंट ममी की खोज हुई, मतलब ऐसी ममी जो प्रेग्नेंट थी उसकी खोज यहाँ पे की गई, तो कौन है यहाँ पर, कहाँ पे खोज की गई है, किस देश के वैज्ञानिक ने खोज की इसकी, ये पूछा गया किस देश के वैज्ञानिक। तो देखिए यहां पर पोलिस वैज्ञानिक थे, ये कौन से वैज्ञानिक थे, पोलैंड के रहने वाले, मतलब पोलिस वैज्ञानिक हैं ये, पोलैंड के रहने वाले। टीम ने 2000 वर्षीय पुरानी एक बॉडी की खोज की है, उसमें क्या है, 7 महीने की वो प्रेग्नेंट थी, जो महिला थी वो 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, और दुनिया की पहली गर्भवती मिस्र ममी है ये आपकी, जो पोलैंड के एक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की है। वर्ल्ड फर्स्ट प्रेग्नेंट इजिप्शियन ममी है ये, वर्ल्ड फर्स्ट प्रेग्नेंट इजिप्शियन मम्मी है आपकी देखने मिलेगी। वैज्ञानिकों द्वारा नामित दुनिया की पहली गर्भवती मम्मी का नाम क्या है, नाम क्या है इसका, तो देखेंगे नाम क्या होगा, गर्भवती मम्मी जो है आपकी मिस्टीरियस लेडी के नाम से दिया गया, उसका नाम क्या दिया गया, मिस्टीरियस लेडी।
इस पहली मम्मी का नाम कहा गया, दैट इज मिस्टीरियस लेडी के नाम से रखा, जो प्रेग्नेंट मम्मी रही है, जिसको पोलैंड के एक वैज्ञानिक ने खोज किया था, उसका नाम रखा गया मिस्टीरियस लेडी। क्या नाम रखा गया? मिस्टीरियस लेडी नाम रखा गया है। सेशन को आप सभी लोग लाइक कर देंगे जो लोग यहाँ पर हैं, और शेयर भी करते रहेंगे। असम में सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो कहा गया असम में सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री, क्योंकि अभी रिसेंटली मुख्यमंत्री वहाँ पर आपका अपॉइंट किए गए हैं, तो पूछा जा रहा है सबसे लंबे समय तक कौन मुख्यमंत्री रहा है, ये बात आपसे हमें पूछी जा रही है। सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है असम में? गोपीनाथ बारदोलोई, सैयदा अनवरा तैमूर, या तरुण गोगोई, या भूमिधर बर्मन, कौन रहे हैं सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री तरुण गोगोई रहे हैं, जो 15 वर्षों तक लगातार यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे हैं। तरुण गोगोई सबसे लंबे समय तक रहे हैं, 15 सालों तक यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे, तरुण गोगोई रहे हैं मुख्यमंत्री लंबे समय तक। तो तरुण गोगोई होंगे मुख्यमंत्री यहाँ पर। आगे चलते हैं नेक्स्ट। मदर्स डे मनाने के पीछे किस विचार का श्रेय है? जल्दी पूछो, मदर्स डे मनाने के पीछे किस विचार के का श्रेय दिया जाता है? किसे दिया जाता है श्रेय? किसे दिया जाता है? किसको कहा जाता है मदर्स डे के ये इनके लिए मनाया जाता है? तो आपका होगा मदर्स डे 1858 में एन जैरविस के स्वच्छता की सुविधा और प्रदूषित पानी को छोड़ो के कीड़ों और सीपेज के कारण होने वाली मौतों को सुधारने के लिए मदर्स वर्क डेज का आयोजन किया गया था 1858 में। एन जैरविस इनके लिए मनाया जाता है ये, एन जैरविस, स्वच्छता की सुविधा और प्रदूषित पानी में कीड़ों और सीपेज के कारण होने वाली मौतों को सुधारने के लिए मदर्स वर्क डेज के रूप में आयोजित किया गया था 1858 में। उसके बाद से ये आपका मदर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है? तो ये आपका मदर्स डे 1858 ईयर से, आपका 1858 से, आफ्टर कह सकते हैं 1857 रिवोल्ट के बाद से मनाया जाता है। नेक्स्ट, ब्लैक फंगस रोग, जो कि अब काफ़ी हद तक देखने को मिला है लोगों में, जो लोग के डायबिटीज़ पेशेंट हैं या अभी कोरोना से उबर चुके हैं, कोरोना का जिनका इलाज चल रहा है, तो ब्लैक फंगस डिजीज की कौन सी प्रजाति जिम्मेदार है? यहाँ पूछा गया रोग में कौन सी प्रजाति जिम्मेदार है यहाँ पर? तो कहा गया है म्यूकोरमाइटिस यहाँ पे जिम्मेदार है। कौन सा होगा? म्यूकोरमाइटिस, ब्लैक फंगस की बीमारी जो है उसके लिए बीमारी जिम्मेदार कौन सा? म्यूकोरमाइटिस आपकी जिम्मेदार, एक गंभीर और दुर्लभ कवक संक्रमण, इसमें आंखों की रोशनी, फेफड़ों में भी इन्फेक्शन हो सकता है, ब्रेन में भी इन्फेक्शन हो सकता है, नाक में भी हो सकता है, बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन हो सकता है। जरूरी है कि जिन लोगों को कोविड हो चुका है या ऐसे कुछ लक्षण होने वाले हैं, तो वो लोग मास्क का यूज़ करें, और जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट्स हो वहाँ नहीं जाएं, क्योंकि कहते हैं ये हवा में भी हो सकता है और मिट्टी में भी होता है, हवाओं और मिट्टी में भी पाया सकता है, ये कई जगह पर होता है। और अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कमज़ोर है, या ऐसे लोग जो अभी जिनकी कीमोथेरेपी चल रही है, या आपके कैंसर से पीड़ित हैं, या जिनका ब्लड का शुगर बहुत हाई है, या जिन्होंने स्टेरॉइड बहुत मात्रा में लिया, उनको ये बीमारियां हो सकती हैं। तो ये आपको याद होगा, आंखों की रोशनी तक जाती है यहाँ पर। तो जब भी आपको लगे कि फेफड़े में इन्फेक्शन होता है, तो आपको वहाँ पे खून, खांसी भी आ सकती है, खांसी के साथ खून भी आना, ये इसके लक्षण हो सकते हैं। तो म्यूकोरमाइटिस ये आपकी डिजीज़ है, जो कोविड-19 के दौरान जो एक्सेस मात्रा में जिनको स्टेरॉइड वगैरह दिए गए हैं, जिनका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर बहुत हाई है, या शुगर पेशेंट हैं, डायबिटीज़ पेशेंट हैं, उनको काफ़ी हद तक देखने को मिल रही है। अभी इसके मात्रा धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे हैं। कहते हैं जब सार्स का इन्फेक्शन आया था 90s में, तो उस दौरान भी ऐसे इन्फेक्शन देखने को मिलेंगे, जैसे बॉडी कमज़ोर होती है आपके ऊपर हमला कर देता है। इस दौरान हमें प्रिकॉशंस रखने होंगे, आपके नाक को और उसको मुंह से ढकना होगा आपके इस मास्क से, जिससे कि ऐसे इन्फेक्शन ना हो पाए। फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने होंगे, इन सभी चीज़ों पर ध्यान रखना होगा यहाँ पर, ठीक है? नेक्स्ट पर आप बात करते हैं, ब्लैक फंगस से संक्रमित होने का खतरा किसे नहीं होता है? ये पूछा गया, किसको नहीं होता है? तो ब्लैक फंगस जो डिजीज़ है, जो मधुमेह डेंगू का सबसे ज़्यादा फायदा, सबसे ज़्यादा इसको दिक्कतें होती है, इसी को हो सकता है। पेशेंट जिनके ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए, उनको सबसे ज़्यादा खतरा है। कहा गया हेमोक्रोमेटेसिस वाले रोगों को खतरा है, कहते लोहे की अधिकता जिनमें होती है उन्हें कहते हैं हेमोक्रोटोसिस, और जलने या घाव इत्यादि में आईवी फ्लू वाले लोगों को भी यहाँ पे प्रभावित कर सकते हैं, प्रभावित नहीं करता ये। तो कहते हैं किसको नहीं करता? आईवी फ्लू वालों को, आई फ्लू मतलब जिनको आँखों का संक्रमण होता है, उनको ये प्रभावित नहीं करेगा। तो किसे नहीं होगा? इनको खतरा नहीं होगा, बाकी आई फ्लू वालों को, बाकी सबको खतरा होगा। मतलब यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, इसको खतरा नहीं होता, आई फ्लू वालों को खतरा नहीं होता, बाकी आपके मधुमेह वालों को होता है, या जिसका भी आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है उनको होता है, जिनको कैंसर रहा है उनको होता है, जिनको अभी कोरोना हो चुका है, जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है उनको हो सकता है, जो कीमोथेरेपी पर है, ठीक है? महेंद्रा तैयब बिल्कुल सही, हाय हेलो सभी को, और जितने भी लोग हैं यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे, किसको है किसको नहीं, ये सारी चीज़ें जानते रहें, क्योंकि रिसेंटली न्यूज़ में रहा है ये।
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है बताएंगे आप इसको? नेशनल टेक्नोलॉजी डे, तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया कब जाता है? 11 मई को मनाया जाता है टेक्नोलॉजी डे, 11 मई को मनाते हैं यहाँ पर। ठीक, अगला, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? फर्स्ट एटॉमिक, यहाँ पूछा गया फर्स्ट आपका न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था? तो न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में हुआ था लाफिंग बुद्धा के नाम से। किस नाम से हुआ था? लाफिंग बुद्धा के नाम से इसका परीक्षण किया गया था पोखरण में 1974 में। स्माइलिंग बुद्धा कहते हैं इसको। और परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में हुआ था 1974 में। उस समय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी हमारी, उनके समय में यह परीक्षण किया गया था। स्माइलिंग बुद्धा के नाम से इसका परीक्षण हमने किया था। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं आगे पर। आगे कहा गया है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2021 की थीम क्या है? तो 2021 में क्या, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद सस्टेनेबल फ्यूचर, टेक्नोलॉजी फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जो इसका तो क्या कहा जाएगा, इसका नेशनल टेक्नोलॉजी डे का साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्यूचर, फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, ये रहा है थीम इस बार का। क्योंकि हर बार जब कोई दिवस मनाया जाता है उसकी एक पर्टिकुलर थीम होती है, तो आप जब भी कोई डे याद करें तो उसकी उस साल की थीम अगर है तो ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस होते हैं। ठीक, हाल ही में एक टॉक शो में एस्पर्जर सिंड्रोम से प्रभावित होने पर किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व ने स्वीकार किया? हाल ही में एक टॉक शो में एस्पर्जर सिंड्रोम से प्रभावित होने पर किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व ने स्वीकार किया है कि हाँ उसको एस्पर्जर सिंड्रोम हो गया था? किसने स्वीकार किया इस बात को? तो एस्पर्जर सिंड्रोम से प्रभावित होने, एलन मस्क ने कहा कि उनको ये बीमारी है एस्पर्जर सिंड्रोम। उन्होंने कहा था कि इनको ये तरह की बीमारी एक विशेष प्रकार की है जिससे वो लड़ रहे हैं। और कहा गया एस्पर्जर सिंड्रोम के कारण लोगों के साथ आंखों से संपर्क बनाने में डरते हैं वो। क्या है? आई कांटेक्ट नहीं करते हैं लोगों से, आपस में आई कांटेक्ट नहीं होता है, उनमें एस्पर्जर सिंड्रोम है। क्या है? एस्पर्जर सिंड्रोम। एलन मस्क, जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया के जो आपके एक स्पेस एक्स कंपनी के मालिक हैं और कई नए नए तरीके के अनूठे प्रयोग करते रहते हैं ये, तो ये इनके अंदर एक सिंड्रोम है, दैट इज एस्पर्जर। ठीक है, इसमें आई कॉन्टेक्ट एक दूसरे से बनाने में लोग घबराते हैं और अपनी बात कहते हैं या तो नीचे देखते हैं तो कहीं अगल बगल देखते हुए अपनी बात को ये रखते हैं। एस्पर्जर सिंड्रोम किस प्रकार का विकार है? तो यहाँ पे पूछा गया किस प्रकार का सिंड्रोम होता है एस्पर्जर सिंड्रोम, जिसमें आप लोग जानते हैं यहाँ पर। तो जल्दी से, बाकी लोग क्या सबको लगता है ये सारी चीज़ें उनको आती हैं? आई होप अगर आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये लोग जो जवाब नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। तो न्यूरोलॉजिकल विकार है, अस्थि विकार है, अनुवांशिक विकार है, तो कैसा विकार है ये आपका कहा जाता है? एक एस्पर्जर सिंड्रोम जो होता है न्यूरोलॉजिकल का विकार है, जिसमें क्या होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार कहते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD भी कहा जाता है इसको। क्या कहते हैं? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है ये। ठीक, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है ये, ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये क्वेश्चन आपकी जो बीमारियां, आप सोचते हो बायोलॉजी में रट लेंगे सारी बीमारियों को तो वही क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, तो आप गलत फहमी भी जिंदा है। आजकल जो भी क्वेश्चन आ रहा है, अगर वो साइंस का है या हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी का, तो करंट अफेयर्स जुड़ के आ रहा है। एस्पर्जर सिंड्रोम पूछ लिया जाएगा, जो कि एलन मस्क ने स्वीकार किया अपने बारे में, तो पूछ लेंगे एस्पर्जर सिंड्रोम किस अंग को प्रभावित करता है, या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर किस अंग को प्रभावित करता है, तो आपके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को प्रभावित करने वाले डिजीज हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब आपसे जॉइंटिस नहीं पूछा जाएगा, लीवर को इम्पैक्ट करता है, ऐसे क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते। आप कितना अवेयर है और कितना ज़्यादा चीज़ों को कनेक्ट करके चलते हैं, ये ज़्यादा जरूरी होगा आपके लिए अब। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एस्पर्गर सिंड्रोम जो है आपका, एस्पर्गर सिंड्रोम के लक्षण हैं? तो सामाजिक संपर्क में कठिनाई होती है, दोहरा व्यवहार दिखाना होता है, स्वयं रिपिटेटिव बिहेवियर, या नियमों में दिनचर्या पर ध्यान देते हैं, फोकस ऑन रूल्स एंड रूटीन, तो क्या होता है इसमें? तो इसमें सभी चीज़ों पे होते हैं आपकी बातें। निम्नलिखित लक्षण जो है, एक भीड़ में एस्पर्गर जो वाले व्यक्ति को आसानी से खोजा जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को सामाजिक संपर्क में कठिनाई, या दोहरा व्यवहार करना, या जो वो सोचते हैं उस पर रहते हैं, या नियमों और दिनचर्या पर ध्यान केंद्रित, ध्यान चीज़ें क्या होती है एस्पर्गर सिंड्रोम की खास ही चीज़ें। इसमें ऐसा नहीं कि हर एक डिजीज़ ऐसी नहीं होती जिसमें आपकी मौत हो जाए, कुछ चीज़ें होती जो बॉडी लैंग्वेज को आपको इम्पैक्ट करती हैं। तो ये एस्पर्गर सिंड्रोम कुछ वैसा ही है, जिसमें लोगों के बारे में आप देख सकते हैं क्या क्या हरकतें करते हैं, कैसे हरकतें करते हैं, उन चीज़ों को आप यहाँ पर देख पाएंगे। सामाजिक संपर्क के साथ साथ दोहरा व्यवहार दिखाना होता है, शोइंग द रिपिटेटिव बिहेवियर्स एंड द नियमों और दिनचर्या पर ध्यान देते हैं, फोकस ऑन रूल्स एंड रूटीन्स एंड सभी, ऑल ऑफ दीज चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, कोविड का पता लगाने के लिए सॉफ्टवेयर एटमैन उपयोग करता है किसका? जो एक सॉफ्टवेयर है एटमैन, कोविड का पता लगाने के लिए किसका यूज करता है? इंफ्रारेड का, चेस्ट एक्सरेज का, एंजियोग्राफी का, या चेस्ट सिटी स्कैन का? चेस्ट सिटी स्कैन काफी डेंजरस होता है ये, तो कहा गया यहाँ पे चेस्ट एक्सरेज का।
तो CAIR जिसे कहा गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा COVID-19 डिटेक्शन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है आपका यहाँ पर छाती में एक्सरे का उपयोग करके विकसित किया गया। तो ये आपका छाती का एक्सरे करके पता लगाता है, क्योंकि सीटी स्कैन कहते हैं जब आप नहीं कराना चाहिए, बहुत रेयर केस में कराना चाहिए। ये 600 एक्सरेज के बराबर होता है, 600 एक्सरे के बराबर लगभग सीटी चेस्ट स्कैन होता है। और इसके बार बार कराने से आपको आगे चलकर कैंसर के भी कारण आपके शरीर में उपस्थित हो सकते हैं, इसलिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। चेस्ट एक्सरेज का यूज़ किया जाता है एटमैन में, ठीक है। जुडिशियल एक्टिविज्म की अवधारणा का उपयोग करने वाले पहली बार कहाँ उत्पन्न हुई थी? जुडिशियल एक्टिविज्म की जो अवधारणा है पहली बार कहाँ से उत्पन्न हुई थी बताना आपको, फर्स्ट टाइम कहाँ पे स्टार्ट हुई थी ये जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म की जो अवधारणा है यहाँ पर पूछा गया कहाँ पर, न्याय की अवधारणा पहली बार 1947 में संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पन्न हुई थी कहाँ पर, और यहीं से लिया गया जाता है। जुडिशियल एक्टिविज्म की अवधारणा कहाँ पे हुई थी? यूएसए में। कब हुई थी? 1947, जब देश हमारा आज़ाद हुआ था उस समय जुडिशियल एक्टिविज्म की भावना यहाँ पर उत्पन्न हुई थी। किस केस ने परिभाषित किया भारत में मौलिक अधिकारों का संक्षेपण, इसमें कुछ और बढ़ाया नहीं जा सकता, मतलब किसमें कहा गया था कि ना तो इसको हम कम कर सकते हैं ना ही इसमें कुछ इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब इसमें कोई भी अमेंडमेंट किया जाएगा लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को हर्ट नहीं किया जाएगा। तो केशवानंद भारती में कहा गया था हम इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर को हर्ट किए बगैर। तो केशवानंद भारती केस जो हुआ था उसमें कहा गया था कि हम किसी भी चीज़ को कहते हैं यहाँ पर आक्षेपण करते हैं लेकिन इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। इसमें कहा गया था अमेंडमेंट कर सकते हैं लेकिन उसमें बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता, गोलकनाथ केस। दो केसेस हमारे सामने हैं, एक में अमेंडमेंट की बात की गई तो कहा गया गोलकनाथ केस में भारत का संविधान और प्रदत्त जो मौलिक अधिकारों को रद्द संक्षेपित तो बढ़ोतरी नहीं की जा सकती है, लेकिन इसमें कहा गया हम रिव्यू कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं लेकिन ऐसा रिव्यू करेंगे जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर हर्ट नहीं होना चाहिए। तो केशवानंद भारती केस कहता बेसिक स्ट्रक्चर हर्ट नहीं है, ऐसा रिव्यू होगा, इसमें कहा गया कुछ भी हो ही नहीं सकता। तो ये अपडेटेड वर्जन है, कौन? केशवानंद भारती जो है वो अपडेटेड डिसीजन होगा आपके कोर्ट का, और इनिशियल डिसीजन जो था वो गोलकनाथ केस था जिसमें कहा गया था हो ही नहीं सकता। तो गोलकनाथ शुरुआती हिस्सा है तो पूछा जाएगा। हाँ, किसी में कहा गया मौलिक अधिकारों में आपका जो चेंजेस होंगे वो विदाउट हर्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर, ये कहाँ पे था? ये केशवानंद भारती में रहा होगा। तो यहाँ के हिसाब से क्या होगा? यहाँ पे होगा गोलकनाथ केस। नेक्स्ट आते हैं अगला, इसराइल की भौगोलिक स्थिति के बारे में क्या सही, मतलब इसराइल की भौतिक स्थिति क्या है, भौगोलिक स्थिति कहाँ है, वो कहाँ पे इसमें लोकेट करता है ये बताना। तो इसराइल की भौतिक स्थिति कहाँ, भौगोलिक स्थिति कहाँ, तो किसके बीच में आता है? इसराइल और फिलिस्तीन में आजकल चल रही है लड़ाई, तो कहाँ पे है उसकी भौगोलिक स्थिति? तो कहते हैं भूमध्य सागर के पूरब में है और लाल सागर के उत्तर में स्थित है इसराइल। तो इसराइल और फिलिस्तीन में चल रही इस समय लड़ाई, इसलिए इसकी लोकेशन पूछी जा सकती है। ये है करंट अफेयर पूछे जाने का तरीका। आपसे नहीं कुछ पूछेगा इसराइल ने किसके ऊपर हमला कर दिया, ये सब बच्चों वाले क्वेश्चन खत्म हो गए। इसराइल भूमध्य सागर के पश्चिम में है, बात गलत हो गई, भूमध्य सागर के पूरब में है और लाल सागर के उत्तर में है, ये बात बिल्कुल सही है, लाल सागर के उत्तर में है। तो ये पहला सेकेंड पॉइंट आपका सही हो जाएगा, ओनली टू आंसर होगा बी यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ पश्चिम ना होकर यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ होकर पूर्व होना चाहिए, ठीक। यहूदी दुनिया भर में, बात की गई यहूदी दुनिया भर से आए और 1882 से 1948 के बीच में फिलिस्तीन में इकट्ठे हुए, इस मोमेंट को क्या कहा जाता है? यहूदी दुनिया भर से आए और 1882 से 1948 के बीच में फिलिस्तीन में इकट्ठे हुए, इस मोमेंट को क्या कहा जाता है? तो दुनिया भर से आए और 1882 में फिलिस्तीन में इकट्ठे हुए, इसे क्या कहते हैं? इसको कहा गया, इस मोमेंट को कहा गया अलिया, या क्या कहा गया? अलिया मोमेंट कहा गया, जिसमें दुनिया भर के यहूदी फिलिस्तीन में एकत्रित हो गए थे। 1882 से 1948 के बीच का समय था ये, 1882 से 1948 के बीच में आए थे ये, और इस मूवमेंट का नाम था एलिया, ठीक। नेक्स्ट, इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष के बारे में क्या चीजें यहां पर सही क्या गलत है? संघर्ष के बारे में सही कथन क्या है? तो दोनों पक्षों के बीच 18वीं शताब्दी में संघर्ष शुरू हुआ था, अल नकबा तब हुआ जब हजारों फिलिस्तीन अपने घरों से भाग गए थे। दोनों पक्षों के बीच 18वीं शताब्दी में संघर्ष शुरू हुआ और अल नकबा तब हुआ जब हजारों फिलिस्तीन अपने घरों से भाग गए। तो क्वेश्चन पूछा गया अल नकबा वाली बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। 18वीं शताब्दी में संघर्ष नहीं, 20वीं शताब्दी के मध्य में संघर्ष शुरू हुआ है, 19 के अराउंड में। 18वीं शताब्दी में बिल्कुल संघर्ष नहीं हुआ था, यह भूमि टुकड़े और उसके नियंत्रण पर संघर्ष है यहाँ पर। जब पड़ोसी अरबों ने आक्रमण किया तब फिलिस्तीनी भाग गए, और इस मूवमेंट को कहा गया
कैटास्ट्रॉफी या अलनकबा, क्या कहा गया? कैटास्ट्रॉफी या अलनकबा कहा गया। तो कई पड़ोसी अरबों ने आक्रमण किया था इस पर, तो इसे बोलते कैटास्ट्रॉफी या अलनकबा बोला गया था इसको। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना, कैटास्ट्रॉफी या अलनकबा इस घटना को बोला गया था, ठीक है। किस राजनयिक नेता को भारत में आरक्षण कोटा प्रणाली का राज ध्वजवाहक कहा जाता है? तो सबसे पहले बार जो ये आपके यहाँ पर आरक्षण की बात की गई, तो आरक्षण के लिए जो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था चीज़ों को, वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने सबसे पहले इस बात को रखा था, आरक्षण का विचार रखा था इन्होंने। लेकिन प्रोवाइड ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा कोई आरक्षण इन्होंने दिया नहीं था, बस इसका विचार रखने की बात है कि आरक्षण देना चाहिए नहीं चाहिए। मसौदा समिति जो थी संविधान सभा की, उसके साथ अध्यक्ष थे ये, ड्राफ्टिंग कमेटी से बोलते हैं, मसौदा मतलब उर्दू में ड्राफ्टिंग है, हिंदी में प्रारूप है, तो उसके चेयरमैन थे, उन्होंने आरक्षण पर विचार अपने रखे थे। लेकिन आरक्षण जैसी कोई व्यवस्था लागू हुई नहीं थी। व्यवस्थाएं कब लागू हुई तो जरा देखेंगे, किस रिपोर्ट के बाद ओबीसी के लिए कोटा बढ़ाया गया है? तो ओबीसी के लिए मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए कब बढ़ा दिया गया आपका कोटा, कब बढ़ाया गया? क्योंकि अभी रिसेंटली एक मुद्दा चल रहा था जिसमें 50% से भी ज़्यादा मतलब मराठा जो आपके थे उनको भी आरक्षण देने की बात की गई, जिससे आरक्षण 50% से ज़्यादा हो जाता। तो कोर्ट ने कहा कि 50% से आरक्षण नॉर्मल सामान्य कंडीशन में नहीं होनी चाहिए, उसी में आप इनको जो आरक्षण देना चाहते हैं किसी जात विशेष को बनाकर वहाँ पर दे सकते हैं ओबीसी एससी एसटी में, लेकिन किसी विशेष कम्युनिटी के लिए आरक्षण देकर 50% ज़्यादा बढ़ाया नहीं जाएगा। महाराष्ट्र कोर्ट का, महाराष्ट्र में ऐसा निर्णय आया था भारत सरकार के लिए। तो पूछा गया कि किसके बाद यहाँ पर आरक्षण ओबीसी का कोटा बढ़ गया था? तो देखिए, ओबीसी का जो कोटा बढ़ा था वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट में बढ़ाया गया था। कब? 1987 में ओबीसी का कोटा क्या हो गया था? अदर बैकवर्ड क्लासेस का बढ़ गया था, ठीक। अदर बैकवर्ड क्लासेस का जो कोटा हो गया था वो इंक्रीज हो गया था यहाँ पर, तो मंडल कमीशन होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पूछा गया, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कौन करेगा? हु अपॉइंट द जजेस ऑफ हाई कोर्ट? राज्य के राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या संसद? कौन करेगा यहाँ पर नियुक्ति? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है हाई कोर्ट के, तो वो भी करते हैं कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करेंगे इनकी नियुक्ति, जो राष्ट्रपति द्वारा होगा, मुख्यमंत्री और राज्य के राज्यपाल की परामर्श। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल जो होंगे उनकी एडवाइस लेगा, लेकिन नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करेंगे, लेकिन एडवाइस दो लोगों की होगी, द गवर्नर ऑफ स्टेट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक। सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु क्या है? तो सेवानिवृत्त होने के लिए 65 वर्ष की आयु मानी गई यहाँ पर, कितना? 65 वर्ष, 65 वर्ष होती है कि आयु सेवानिवृत्त, जबकि उच्च न्यायालय की जो आयु है वो 63 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो, तो 62 वर्ष होगा ये, 62 ईयर्स, 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति होता है कहाँ पर? 62 ईयर्स होता है उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का, और यहाँ पे होता है 65 वर्ष, ठीक, बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया था? इंटरनेशनल नर्सेस डे, क्योंकि देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करती हैं ये महिलाएं, जो आपके देख रेख करती हैं, जब घर के लोग आपको अस्पताल में छोड़ के जाते हैं तो पूरी केयर का जिम्मेवारी इनके ऊपर होती है, नर्सेस के ऊपर, जो इस समय आपके फ्रंट वॉर, आपकी कोरोना वॉरियर्स हैं, ये आपका फ्रंट लेयर में खड़ी हुई। तो ये कहते कौन होंगी? तो आपका ये होगा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, पूरे विश्व की नर्सों को सम्मानित करता है, करने के लिए होता है ये। 12 मई को मनाया था, कब? 12 मई को, 12th of May को डिक्लेयर होता है 12 मई को, ठीक। तो ये बर्थडे भी होता है यहाँ पर बहुत लोगों का इस दिन। ये आपका होगा 12th of May को नर्स डे होता है, या इंटरनेशनल नर्स डे, ठीक है। 12 मई को किसकी जयंती अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो आप जानते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगल, किसकी? फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिन पर ये मनाया जाता है। ये फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिन पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया, तो कहते हैं आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक के रूप में जाना जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगल। इनके लिए कहते हैं लेडी विद द लैम्प, इनको क्या कहा जाता था? इनको लेडी विद द लैम्प का एक टाइटल दिया गया था फ्लोरेंस नाइटिंगल को, और इनकी जयंती पर हर साल आपका अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस आपको मनाया जाता है, इंटरनेशनल नर्स डे आपको यहाँ पर 12 मई को इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो कब? 12 मई को मनाते हैं इंटरनेशनल नर्स डे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा 2-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज, 2-DG जो अब दवाई आई है उसके बारे में बात किया गया, कोविड के इमरजेंसी यूज के लिए इसको परमिशन दे दी गई है, 2-DG, तो कहा गया डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज है यहाँ पर। तो इससे पानी के साथ मौखिक रूप से सेवन करना होता है, यह वायरस और ऊर्जा उत्पादन के संश्लेषण को रोककर वायरल विकास को रोकता है। तो कहा गया दोनों चीज़ें करता है ये, क्या करता है? पानी के साथ मौखिक रूप से इसको सेवन कर सकते हैं, और वायरस और ऊर्जा के उत्पाद संश्लेषण को रोककर क्या करता है? वायरल के विकास को रोकता, मतलब उसके डेवलपमेंट को क्या करता है? कंट्रोल करता है ये। तो संक्रमित कोशिकाओं को जमा होती हैं जो वहाँ पे, और यहाँ पे कोशिकाओं में होने वाले जो संश्लेषण को नियंत्रित करता है।
और वायरल वृद्धि को यह क्या करता है, रोकता है, क्या करता है, रोकता है। ठीक, नेक्स्ट पे आएंगे, अगले पे चलेंगे। यहां पर पूछा गया है किस अमेरिकी राष्ट्रपति को फेसबुक ने प्रतिबंधित किया गया, फेसबुक से प्रतिबंधित किया गया है। तो विच यूएस प्रेसिडेंट गट प्रोहिबिटेड फ्रॉम द फेसबुक, तो किसको किया गया था, जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप को किया गया था 6 जनवरी 2021 को, उनको प्रतिबंधित किया गया था। अमेरिकन कैपिटल्स के विद्रोह की हिंसा के बाद फेसबुक के नियमों को तोड़ा था उन्होंने, तो प्रशंसा करने के बाद, हिंसा की प्रशंसा की थी उन्होंने, इसके लिए उनको क्या कर दिया गया था, उनको यहाँ पर बैन कर दिया गया था। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया था, रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व रेड क्रॉस सोसाइटी, जो अभी मैंने बताया था कब मनाया जाता है, 8 मई को मनाया था। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं, तो 8 मई के दिन मनाया था विश्व रेड क्रॉस दिवस, तो याद रखेंगे 8 मई को। दूसरा कहा जाता है यहाँ पर, नेक्स्ट, रेड क्रॉस दिवस के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पूछा गया कौन से ऐसे संस्थापक थे यहाँ पर, तो हेनरी ड्यूटन ड्यूनेंट थे यहाँ पर संस्थापक, हेनरी ड्यूनेंट, इन रेड क्रॉस और इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ द रेड क्रॉस के संस्थापक थे हेनरी ड्यूनेंट। रेड क्रॉस 2021 की थीम क्या मैंने कहा था, पहले देखेंगे थीम क्या होगा, तो होगा टुगेदर वी आर अनस्टेबल, मतलब टुगेदर वी आर अनस्टेबल, हम साथ साथ रहेंगे तो हमें कोई रोका नहीं जा सकता। थीम क्या रही है, टुगेदर वी आर अनस्टेबल, अनस्टॉपेबल बोला गया है। वर्ल्ड रेड क्रॉस सोसाइटी जो डे होता है 2021, टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल, तो बोला गया है ये आपका थीम रही इस बार की। मुसलमानों का कौन सा पवित्र स्थल इसराइल और फिलिस्तीन के विवादास्पद भूमि पर स्थित है, जिसके लिए अभी देखा गया जो वर्ल्ड आपका ये ईद के दिनों के दौरान, जब यहाँ पे लोग बा पूरी दुनिया के मुसलमान ईद मना रहे थे, तो वहाँ पे एक आंदोलन छिड़ा हुआ, एक तरह से युद्ध छिड़ा हुआ है, तो कौन सी ऐसी जगह जहाँ पे उसके लिए दोनों के लिए बहुत है, अल अस्का, कौन सी जगह है वहाँ पर, अल अस्का एक जगह है जिसमें इसराइल फिलिस्तीन का संघर्ष का जो क्या है कारण है, अल अस्का मस्जिद उस भूमि पर स्थित है जहाँ पर वो मुख्य प्रमुख, उसका क्या, इसराइल और फिलिस्तीन के क्या है, संघर्ष का एक कारण है। निम्नलिखित में से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है फिलिस्तीन के बारे में सही कथन क्या है, ये गाजा और वेस्ट बैंक में विभाजित है, अभी हमने इसराइल के बारे में कुछ देर पहले बताया था, अब फिलिस्तीन के बारे में जान लेते हैं। यह गाजा और वेस्ट बैंक में विभाजित है, वेस्ट बैंक डेड सी के पूर्व में स्थित है, मतलब जॉर्डन के पास से यहाँ बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, गाजा और वेस्ट बैंक में विभाजित है, ये गाजा में बटा हुआ, वेस्ट बैंक दो हिस्सों में बटा हुआ है ये, और ये कहा गया डेड सी के पश्चिम में है, पूरब में नहीं है, कहाँ पर है, पश्चिम में। डेड सी मतलब क्या, हम सेकेंड मोस्ट सलाइन लेक है दुनिया की, दूसरी सबसे बड़ी, और ये क्या है, डेड सी कहाँ है, जॉर्डन में। ठीक, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन, ठीक, यहाँ पूरब नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पश्चिम होगा जो पश्चिम में स्थित है और जॉर्डन में है डेड सी। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं, यरूशलम के पवित्र शहर के बारे में सही कथन क्या है, आप अर्पित पटेल एक काम करो, यहाँ पर अपनी वीडियो क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिए, सही हो जाएगा, ब्लर नहीं होगा। यरूशलम के पवित्र शहर के बारे में कौन सा कथन सही, कहते हैं इसराइल युद्ध एक के बाद यरूशलम को इसराइल और जॉर्डन के बीच विभाजित कर दिया गया था, इसराइलियों को यरूशलम का पूर्वी हिस्सा मिला और जॉर्डन वालों को पश्चिमी हिस्सा दिया गया, तो अभी आपने देखा ना जॉर्डन के पश्चिम में कौन है, जॉर्डन के पश्चिम में आपका इसराइल है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, तो पूछा क्या हिस्सा है, तो यहाँ पर देखें केवल एक सही होगा, क्योंकि ये देखिए दिशा फर्क है, यरूशलम जो है इसराइल के पश्चिम हिस्से में है और जॉर्डन क्या पूर्वी हिस्से में, जॉर्डन पूर्वी हिस्से में है, तभी तो आपका इसके इसराइल कहाँ होगा, पश्चिम में, क्योंकि अगर आपने ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होता ये वाला, तो देखिए पता चल जाता ये क्या है, वेट्स तो डी कहाँ है, पूरब में नहीं पश्चिम में है, डेड सी को डेड सी कहाँ, जॉर्डन है, तो जॉर्डन अगर कहाँ पश्चिम में होगा पूरब में होगा तभी तो ये पश्चिम में होगा आपका डेड सी के, क्योंकि डेड सी पश्चिम पूरब में होगा तब ये वेस्ट बैंक आपका पश्चिम में होगा, इसलिए आपको पता चल जाना चाहिए यहाँ पर कि ये जो आपकी चीज़ें हैं ये क्या होंगी, ये यरूशलम में पूर्वी हिस्से में विभाजित किया गया है, तो ये आपका ये हिस्सा कौन सा होगा, ये पूर्वी यरूशलम का हिस्सा हो जाएगा, किसका, पूर्वी, पश्चिमी यरूशलम का हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा होगा यहाँ पर, तो पूर्वी यरूशलम यहाँ बोलेंगे ऐसे, तो ये क्या किस हिस्से में है, तो यहाँ लिखिए पश्चिमी, लिखिए। नेक्स्ट पे आते हैं, E2025 पहल किससे संबंधित है, बताओ, हाँ एनडीए की क्लास है, आप इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये एनडीए की क्लास में ही आएगा, कोई ऐसी परेशानी वाली बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, पहला अरब इसराइल जो युद्ध हुआ था यहाँ पर पूछा गया, हाँ E25 में पूछा गया क्या होता है, किससे संबंधित है, E25 किससे संबंधित है, तो कहते हैं ये क्या है, ये कोविड-19, यहाँ बोला गया E25 चुने गए जो क्या है,
25 देशों में मलेरिया के संचरण को रोकने के लिए E25 पहल की शुरू की गई थी ये। तो क्या मलेरिया को रोकने के लिए, देखिए दुनिया में कोई बीमारी आप साल में 12 महीने कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, कहीं मलेरिया है, कहीं पर आपको डेंगू है, कहीं पर कोई दिक्कत है कभी ना कभी। तो ये 2025 तक क्या होगा, 2025 तक 25 देशों से मलेरिया को ख़त्म करने की जो पहल है उसे कहा गया E2025। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। E2025 पहल किसने शुरू की, ये क्वेश्चन पूछा गया, किसने शुरू की ये पहल। तो संयुक्त राष्ट्र मतलब संयुक्त राष्ट्र ने शुरू की है, WHO ने शुरू की है, या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने शुरू की है, या ब्रिक्स ने शुरू की है। तो किसने शुरू की है ये पूछा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2025 तक 25 देशों से गठन करने की बात की है, तो किसने किया, WHO ने बात की है। WHO ने कहा कि 25 देशों से 2025 तक हम पूरी तरीके से मलेरिया का उन्मूलन कर देंगे। इरेडिकेशन ऑफ मलेरिया टुक प्लेस ड्यू टू 2025 बाय द WHO। ठीक है, विश्व मलेरिया रिपोर्ट की बात करते हैं। यहां पर विश्व मलेरिया रिपोर्ट जो 2020 आई है उसके अनुसार क्या सही है, भारत उन देशों में शामिल है जहां मलेरिया के सबसे ज्यादा मामले हैं, या भारत पिछले वर्ष की तुलना में 1706 की गिरावट करने वाला एकमात्र उच्च स्थानिक देश है। तो ये बात तो बिल्कुल सही, भारत ने बहुत ज्यादा गिरावट की है यहां पर। तो भारत उन देशों में जहां मलेरिया के सबसे ज़्यादा मामले आते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन भी बहुत है, लेकिन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 17.6% की गिरावट भी देखी गई है। तो ये रिपोर्ट दोनों के दोनों पॉइंट क्या है, सही है। यहाँ पर मतलब सबसे ज़्यादा मामले भी हैं और सबसे ज़्यादा गिरावट देखने वाला देश भी मलेरिया ही है। पृथ्वी दिवस कब मनाया था बताओ, पृथ्वी दिवस मनाते कब, पृथ्वी दिवस मनाते 22 अप्रैल को। इसके संस्थापक कौन है जल्दी बताओ, 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस। इसके संस्थापक क्या, अर्थ डे के संस्थापक कौन है, संस्थापक कौन होंगे अर्थ डे के। यहाँ पर तो पृथ्वी दिवस के संस्थापक हैं गैलॉर्ड नेल्सन। 1970 में पहली बार मनाया गया था ये, पहली बार पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था, गैलॉर्ड लर्सन नेल्सन ने बनाया था। गैलॉर्ड नेल्सन आपके थे ये पृथ्वी दिवस के संस्थापक, और 1970 में 22 अप्रैल को ये पहली बार मनाया गया था। ठीक है, अब्राहम लिंकन थोड़ी थे भाई। भारतीय वन्य जीव संस्थान ने हाल ही में किस राज्य में बंदरों की गणना की है बताओ, किस राज्य में बंदरों की गणना शुरू की है भारतीय वन्य जीव संस्थान ने, इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने किस कहाँ पे शुरू की। तो हरियाणा में सबसे पहले बंदरों की जनगणना शुरू की गई है, हरियाणा में बंदरों की जनगणना शुरू की गई। तो कहाँ पर, वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने कहाँ पे की, हरियाणा में बंदरों की जनगणना शुरू की गई है। तो ये थे टोटल क्वेश्चन, पूरे वीक का रिवीजन था आपका, स्टैटिक विद करंट अफेयर्स कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, शेयर करें, लाइक करें, और सेशन को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप अन अकेडमी पर किसी भी वर्टिकल में कोई भी सब्सक्रिप्शन चाहते हैं तो मेरा प्रोमो कोड आप यूज़ कर सकते हैं, रेफरल कोड आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, वो है संजय10। इस कोड के साथ आप यहां पर डिस्काउंट ले सकते हैं। बाकी जानकारी के लिए आप मेरे टेलीग्राम पर जुड़कर वहां पर सारी जानकारी आपको मिल पाएगी। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।